बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी संपन्न हो चुकी है, लेकिन शादी में कुछ अनोखी तस्वीरें हैं जो अब तक कैमरे के सामने नहीं आई थी। तेजस्वी यादव ने अपनी दुल्हनिया का जब मांग भरा था, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ अनदेखी तस्वीरें। हालांकि अब तेजस्वी रिचेल की हो चुकी हैं। माँ राबड़ी देवी पीली साड़ी में अपने बेटे के इस खूबसूरत से पल को निहारते हुए बहुत भावुक लग रही थी, तो वहीं बड़ी बहन मीशा और उनकी अन्य जो बहनें हैं शादी की बीत पूरी तरीके से करवाते हुए दिख रही हैं। एक बहन के नाते तेजस्वी यादव की जो बहनें हैं, जो भी विध उन्हें करना था वो सब करा रही थी। सबसे खास बात है कि तेजस्वी यादव की बहनें जिस तरीके से इस पूरे शादी में काफ़ी एक्टिव रहीं, वो देख के लगता है कि पूरी बहनों की जो जोड़ी है वो तेजस्वी यादव जो छोटे भाई है सबसे छोटे हैं, और वो उनकी खुशी अपनी बहनों के लिए बेहद खास है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पूरा परिवार जब घर के अंदर होता है तो अपनी बहनों के साथ तेजस्वी यादव फोटो खिंचवा रहे हैं, और तेजस्वी के साथ उनकी माँ राबड़ी देवी भी हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है और ये जो संतुष्टि के भाव है वो दिख रहा है कि अब तो दुल्हनिया आ गई, घर की नई नवेली बहू पहुंच चुकी है। और तेजस्वी यादव की जो सभी बहनें हैं वो एक फ्रेम में देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव की सबसे छोटी जो बहन है लालू राबड़ी की छोटी जो बेटी है वो तेजस्वी यादव के और उनकी पत्नी के बीच में बैठी हुई है, पीछे उनकी बड़ी बहन है वो खड़ी हैं, और देखिए मीसा भारती जिनकी भूमिका इस शादी में बेहद अहम रही वो भी इस शादी में दिख रही हैं, ठीक दुल्हन के बगल में बैठी हुई। सबके चेहरे पर मुस्कान है, दुल्हन के चेहरे पर उनकी आंखों में शर्माहट के जो भाव है वो ज़रूर दिख रहे हैं, क्योंकि पहली बार दुल्हन अपने ससुराल में पहुँची है। कुछ अन्य तस्वीरें, ये तस्वीरें उस वक्त की है जब तेजस्वी यादव अपनी माँ के साथ फोटो सेशन करवा रहे थे। तेजस्वी सगाई के ठीक पहले अपनी माँ राबड़ी देवी के साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे। उनकी माँ राबड़ी देवी पूरी तरीके से सज धज के तैयार हैं, तेजस्वी सज धज के तैयार हैं। जयमाला का फेरा, जब जयमाला के बाद अब फेरे लेने वाले होते हैं उस पल की ये तस्वीरें हैं। इसके कुछ देर बाद शादी संपन्न हो जाता है और फिर बड़े भाई तेज प्रताप यादव की एंट्री होती है, और वो एक भी अपने माँ राबड़ी देवी और अपनी बहनों के साथ फोटो सेशन करवाते हैं। आपको बता दें कि पूरा जो माहौल था शादी का वो पिंक और सफ़ेद रंग के फूलों से इस तरीके से गुलजार हुआ था। फूलों की जो सुगंध थी वो शादी के वातावरण में और मोहक अंदाज ला दी, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव की शादी में जिस तरीके के डेकोरेशन किया गया था वो बड़े बड़े भव्य तरीके के डेकोरेशन भले ही ना रहे हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने जितनी तैयारी की थी वो बेहद खास थी। फूलों का जो सिलेक्शन था वो बेहद खास था, पीछे का जो बैकग्राउंड दिया गया था, मंडप जो बनाए गए थे वो भी बेहद खास दिखाने की कोशिश की गई थी। देखिए अगली तस्वीर में किस तरीके से तेज प्रताप अपनी माँ के साथ फोटो सेशन करवा रहे हैं, और माँ राबड़ी के चेहरे पर मुस्कान, बड़े भाई तेज प्रताप के चेहरे पर मुस्कान साफ दिख रहा है। देखिए किस तरीके से अपनी माँ के हाथों को थाम कर तेजस्वी अपने जीवन की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा कदम होता है वो उठाने जा रहे हैं। उसमें उन्हें परिवार का पूरा सपोर्ट मिला, अपनी माँ राबड़ी देवी के हाथों के सहारे, माँ राबड़ी के हाथों को पकड़ के उनके सबसे छोटे लाल, 9 संतानों में तेजस्वी यादव सबसे छोटे हैं, वो अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए जैसे दिख रहे हैं, उसमें माँ राबड़ी देवी के चेहरे पर मुस्कान और तेजस्वी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आज उनके सर जो सेहरा सजा। ये तस्वीरें बेहद खास है, जब तेजस्वी यादव की बहन दरवाजे पर जो डोर छिकाई होता है, दरवाजे पर जब लड़की की पहली एंट्री होती है उस वक्त ससुराल पहुंचने के बाद रिचेल जब वहां पहुंचती हैं तब उनकी जो ननद हैं वो उनका आरती उतारते हुए दिख रही है। तेजस्वी मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ जो विध होता है वो भाई
और भौजाई का विध होता है, बहनों का विध होता है कि घर में पहले कदम ससुराल में अगर लड़की रखती है तो द्वार छेकाई होता है, और यही विध है वो कर रही हैं उनकी बहनें। बेहद खूबसूरत सा पल है, और इस खूबसूरत से पल को तेजस्वी जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, और ना ही उनकी पत्नी, जब उनकी पहली कदम पहला पांव उनके ससुराल में पड़ रहा है। हालांकि यह दिल्ली का घर है, लेकिन रिचेल के लिए यह उनका ससुराल ही है, क्योंकि पहला ससुराल दिल्ली के अंदर ही तेजस्वी यादव की शादी हुई, और वही घर जहां उनकी सभी बहनें उनका इंतजार कर रही थी अपनी भाभी का, नई नवेली भाभी का। देखिए किस तरीके से आरती उतारते हुए तस्वीर है, और फिर बहन के साथ तेजस्वी यादव, बेहद ही खास पल। ये पल तेजस्वी यादव कभी मिस नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में सभी बहनों की जो इच्छा है कि अपने भाई के साथ तस्वीर खिंचाए, तेजस्वी उसे पूरा करते हुए दिख रहे हैं। देखिए किस तरीके से, और फिर आखिरी जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो में तेजस्वी यादव किस तरीके से सीधे तौर पे फोटो सेशन करवा रहे हैं, और ये वीडियो उस वक्त की है जब तेजस्वी यादव अपनी दुल्हन को शादी के बाद, जो शादी करने के बाद परिवार के लोग जब काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, फोटो सेशन का जब दौर शुरू होता है, सब दुल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, उस वक्त की ये तस्वीर है जब तेजस्वी जयमाला के बाद दुल्हा दुल्हन के साथ अपना फोटो सेशन करा रहे हैं, और इसमें सभी बहनें बिल्कुल ही जो खुशी है उनके चेहरे पर वो दिख रही है, किस तरीके से उनके छोटे उनके लाडले भाई की शादी हो गई, और शादी के बाद उनकी जो भाभी है वो भी पहुंच गए। तमाम मेहमानों का तेजस्वी यादव और रिचेल स्वागत कर रही है, तेजस्वी और तेजस्वी यादव की जो पत्नी है वो उन सभी मेहमानों का स्वागत कर रही हैं, और शादी में उनकी बहनें तेजस्वी यादव के जो बहनोई हैं वो भी दिख रहे हैं, और तेजस्वी और उनकी पत्नी बहनों के साथ मेहमानों का स्वागत करते हुए सीधे तौर पर दिख रही है। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की शादी से जुड़ी है अनदेखी जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, कि इस तरीके से शादी के ठीक बाद परिवार वालों के बीच तेजस्वी यादव अपने नई नवेली दुल्हन के साथ परिवार के सभी लोगों के बीच मौजूद है, उन सबके साथ यादगार लम्हों को कैमरे में कैद करते हुए। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 982170796।